ऐसा थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। स्कूल में एंजॉय किया होगा आपने, स्कूल में मतलब ऐसा ना सबके फेवरेट हुआ करती थी मैं, जितने टीचर्स थे मतलब जितने मेरे इवन मुझसे छोटी क्लास के भी जो बच्चे थे ना, मुझसे जो जूनियर थे वो भी, उनकी भी इतनी फेवरेट हुआ करती थी। जैसे उन लोगों को फ्री टाइम मिलता था ना, मेरे को ऐसे घेर लिया करते थे वो लोग। हाँ मुझे मेरा उन्होंने नाम ही पता नहीं, मेरे पास कॉमर्स थी ना तो मेरा नाम, आप लोगों को कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होगा कैपिटल नाम की एक चीज़ होती है, तो मेरा नाम निकाल रखा था उन लोगों ने, पूंजी दीदी कैपिटल, तो पूंजी दीदी बोलते थे मेरे को। मतलब बहुत ऐसे, मैं उनसे बड़ी थी लेकिन वो मुझे बच्चों की तरह रखते थे, अपना लंच लेके आना मेरे लिए इस तरीके से, तो बढ़िया पूंजी दीदी। और आज भी कभी रास्ते में मिल जाती हूँ तो बस कहीं भी हो, वो कहीं से भी देख ले वहीं से भागते हुए आता है, पूंजी दीदी पूंजी दीदी पूंजी दीदी। मतलब चाहे कितना भी इंसान आगे बढ़ जाओ लेकिन वहीं उन लोगों को लगता है ना कि हाँ मैं उनके लिए वही हूँ जैसी थी, और सीरियसली मैं भी उन लोगों के लिए वैसी की वैसी हूँ जैसे उस टाइम थी। तो सब कुछ याद आ जाता है पहले की चीज़ें, कॉलेज में इतना कुछ था नहीं, ठीक है नॉर्मल निकल गया ना, मुझे वहाँ की मेमोरीज याद करनी है। स्कूल टाइम बहुत अच्छा था मेरा, कॉलेज स्कूल टाइम स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है। स्कूल में जो था ना वो सब रियल था, मतलब वहाँ के जो फ्रेंड्स थे, हालांकि मेरा कोई दोस्त नहीं है लेकिन वहाँ की जो चीज़ें थी ना वो सब रियल थी। कॉलेज का आप पूजा जी बोल रहे हैं आप बहुत इग्नोर करते हो, अरे हुकम मैं कहाँ इग्नोर, मैं कहाँ, मैं किसको इग्नोर करूँगी मैं क्या हूँ इग्नोर करने वाली। देखो वन डे आई विल डेफिनेटली मीट यू, बिल्कुल 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 आप जरूर जयपुर आइएगा, मैं डेफिनेटली मिलूंगी। स्कूल लाइफ हमेशा अच्छी होती है, आई नो वेरी वेल। कभी किसी से प्यार किया है आपने कभी किसी से प्यार, मुझे यू नो प्यार मतलब बहुत तरीके के होते हैं, मतलब किस तरीका के प्यार कर, किस तरीके के प्यार की बात कर रहे हैं आप। मेरे जो फादर है ना, अगर मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे किसी से दिल से ऐसा अटैचमेंट था ना तो वो मेरे पापा थे। लाइफ की ऐसी कोई बात नहीं थी जो उनसे छुपी हुई नहीं थी, ऐसा कोई कांड नहीं था मेरा जो उनसे छुपा हुआ नहीं था, ऐसी कोई हरकत नहीं थी मेरी जो उनसे छुपी हुई नहीं थी। लाइफ में अगर यार मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने भी कुछ गलत किया ही होगा अपनी लाइफ में, तो मतलब हर एक चीज़ उनके सामने होती थी। कहता ना कि वो इंसान मेरी लाइफ के ऐसे पर्सन थे जिन्हें मेरा अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ उन्हें बताता, और शायद भगवान को मंजूर नहीं था मेरा उनके साथ इतना अच्छा अटैचमेंट, तो उन्होंने फिर उन्हें अपने पास बुला लिया। बाकी प्यार व्यार के चक्कर में हाँ फ्रेंड्स थे मेरे बहुत अच्छे, फ्रेंड्स से था मेरा इतना अच्छा अटैचमेंट जिसे मैं सो कॉल्ड आर के लाइफ कहा करती थी, उनसे भी अब कुछ नहीं रहा। ग्रेट फादर नहीं गॉड फादर मतलब सबके पापा थे वो, बिल्कुल ऐसे जो कोई मिलता उनसे तो कोई उनको मतलब मेरे पापा और मेरी मम्मी को कोई ऐसे बोलता ही नहीं अंकल आंटी, उनसे मिलता है ना तो सब उनको बोलते हैं पापा मम्मी, चाहे फर्स्ट टाइम ही कोई क्यों ना मिल रहा हूँ, पापा मम्मी गॉड फादर थे वो। इंगेजमेंट हो गई, मैं लगती हूँ क्या शक्ल से कि मेरी इंगेजमेंट हो गई यार, कहाँ से मतलब अभी कहाँ, अभी तो नहीं, गॉड फादर बिल्कुल मेरे पापा गॉड फादर है। दी मैं आपकी शॉप के पास ही रहती हूँ, आ जाऊँगी आप सुन, वेलकम वेलकम भाई, गेट खोल देना कोई आ रहा है मिलने के लिए, आ जाओ बिल्कुल हम ओपन कर देंगे टू, अभी आ जाओ जल्दी से, मैं निकलने वाली हूँ फिर, मैं कुछ टाइम के लिए आऊँ, मुझे लाइव आना था इसलिए मैं यहाँ, अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में, दी आपसे मिलना है, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कहाँ हो आप सभी के दिलों में, उज्जैन आओ कभी, बिल्कुल मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करो करोगी, व्हाट डू यू वांट,
जयपुर में कहाँ से हो आप? इतना बड़ा भी नहीं है जयपुर, एक छोटा सा जयपुर है, जयपुर के अंदर एक छोटी सी जगह है खातीपुरा, खातीपुरा से हूँ मैं। दी आप हमेशा दी में यार, योर फादर इज वेरी नाइस। आप बहुत क्यूट है, आप मुझे कभी जवाब नहीं देते हो, मुझे मिलना है आपसे, मैं जयपुर से हूँ बिल्कुल, जब भी आना है आ जाइए। आपकी मम्मी का है, आज मम्मी छुट्टी पे है, मतलब आज मम्मी ने मेरे को छुट्टी दे रखी है, तभी तो मैं आज मम्मी की जगह बैठी हूँ यहाँ पे। आज एक्चुअली होली का दिन है ना, तो पापा का आज पहला त्यौहार है, तो बाहर नहीं निकलते हैं ना, तो मम्मी आज घर पे है, मम्मी आज भी घर पे हैं, मम्मी कल तो ऑब्वियसली घर पे रहेंगे, और आज पे घर, आज घर पे थोड़ा गेस्ट वगैरह का भी आना जाना होगा, तो मम्मी आज घर पे है। आप बहुत सुंदर है, पापा पे गई हूँ मैं, मेरे पापा सुंदर तो सुंदर नहीं, मेरे पापा ना मतलब बहुत एंड टाइम पर भी, पापा मतलब इतने बीमार थे एंड टाइम पर भी, लेकिन एक चेहरे की जो रौनक होती है ना, उस वक्त भी मेरे पापा के चेहरे पे थी, मतलब उनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि वो भी बीमार है। मैंने भी कितने उनके वीडियोस पोस्ट किए, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कभी भी उनके फेस को देखकर वो ऐसे कभी फील ही नहीं होने देते थे कि वो इतना बीमार है। हमेशा इंसान ऐसा रहता था ना जैसे, और एंड में हम लोगों को जाके पता लगा था कि उनको इतनी प्रॉब्लम है, वो इतनी प्रॉब्लम में है। एंड टाइम पे मैंने भी करनी माँ को बोल दिया था कि माँ आप इनको बुला लो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम हम खुद उनकी प्रॉब्लम देख नहीं पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, लेकिन कभी उन्होंने कभी किसी को फील नहीं होने दिया। और सेम मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है, शायद थोड़ा बहुत तो बन चुकी हूँ मैं, किसी से शेयर ना करने की आदत आज भी है मेरी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, किसी को नहीं बताना, क्योंकि हम वो चीज़ खुद सॉल्व कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। मिस क्यूटी पाई, पापा जी की फेस ग्लो बहुत करता था बिल्कुल, पापा ना पता नहीं क्या थे यार, आप बहुत अच्छे हैं। इंसान अच्छा उसी को लगता है जो खुद खुद अच्छा होगा। आज मैं अगर किसी के लिए कुछ बुरा कह रही हूँ ना, मतलब कुछ बुरा कह रही हूँ किसी के लिए, तो मतलब मेरे मन में कुछ कुछ बुराई है, कुछ क्या मतलब बुराई ही बुराई है। हम किसी के लिए गलत तभी सोच सकते जब हमारे दिमाग में कुछ गलत भरा हुआ होगा, मतलब बिल्कुल क्लियर माइंड रहो, बिल्कुल हमेशा ना अपने दिल को इतना इतना साफ रखो कि मतलब कभी उसमें गंदगी आ ही नहीं पाए, मस्त रहो, और अच्छा करने की सोचोगे ना तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और कुछ नहीं। प्लीज दी मुझसे बात करो, मैं आप सभी से बात कर रही हूँ। आपके पापा जी को क्या हुआ था? मेरे पापा को, मेरे पापा के लंग्स डैमेज थे। दी आपकी शॉप का एड्रेस प्लीज, कालवाड़ रोड पर है, प्रताप सर्किल के पास में। जयपुर में आने के बाद आप लोग किसी से पूछेंगे कालवाड़ रोड, वो आपको कालवाड़ रोड पहुंचा देगा, उसके जस्ट थोड़ा सा पास में प्रताप सर्किल है, प्रताप सर्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरी शॉप है। मेरे से बात करो, एवरी संडे मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगी अपने इसी चैनल के ऊपर, और लाइक अभी तो ये शायद फर्स्ट सेकंड लाइव है जिसमें अपन इतना बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को भी हैबिट हो जाएगी और मेरे को भी हैबिट हो जाएगी जल्दी जल्दी मैसेज रीड करने की। तो एवरी संडे मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगी 11 बजे, संडे को सभी फ्री रहते हैं, तो अब लाइव। मैंने देखी ये शॉप, ये है क्या नाम है इनका, चीकू, ये तो शायद अपनी शॉप ओपन हो रही थी तभी आ गए, आप तो तभी आ गए थे, आपने तो सबसे पहले देखी है, मेरे बाद में ही आपने शॉप देखी है मेरी। प्योर हार्टेड पर्सन, थैंक यू सो मच। आपके नाम की बहुत फेक आईडी बनी हुई रतन,
नाम चल रहा नहीं है, दौड़ रहा है, नाम चल रहा नहीं है, दौड़ रहा है। और ये नाम ना, मतलब हर इंसान ये चाहता है कि यार मैं, मेरा नाम जाना जाए, मेरा नाम जाना जाए ना। और मैं चाहती हूँ ना, मेरा नाम अगर जाना जाए तो करणी माँ के नाम से, जो ये पीछे सुंदर सुंदर, और मेरे पापा के नाम से, कि अगर मैं जानी जाऊँ ना तो सिर्फ इन दो पर्सन की वजह से, इन दो लोगों की वजह से। बाकी अपन को ना नाम चाहिए ना कुछ और, बस जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे जाने। बच गया, पागल हो गया, अभी मेरा फोन गिर गया था। मम्मी लाग कुछ काम, हाँ से की बजे हूँ, काम लगा दी मैंने, काम लागू मैंने। दिल लग जाएगी ना अभी इसकी, बैठी इसके यार, आपने जिंदगी में मुझे कभी रिस्पांस नहीं दिया। चलो मैंने आपको फाइनली ये मैसेज मैंने रीड कर लिया कि मैंने आपको जिंदगी में कभी रिस्पांस नहीं दिया, मैंने आज आपको रिस्पांस दे दिया। लाग गई मैंने जुकाम, सांस आऊँ की बजाऊँ, चाय पी लो, आ जाओ यार। चाय से तो मतलब ऐसा हो गया ना, मेरा मन ही उड़ गया चाय से। सुबह की एक चाय पीते, वो भी कुल्लड़ वाली, कुल्लड़ जानता है, कुल्लड़ किया। बस हाँ जाओ, यस Thank you.